students myself hope you all are fine today we will start a next chapter of class 2 from new oxford primary science so students open your book page number 25 today a topic is uses of plants जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी चैप्टर की रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंथी होती है तो मैं आज आपको हाईलाइट्स क्लियर करूंगी आपने अपने हाईलाइट्स अच्छे से क्लियर कर लेने हैं ताकि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आपने अपने चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करनी है ओके प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं हमें बिल्कुल सही बात है प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम ब्रीथिंग uh, कर सकें प्लांट्स ही अर्थ के लंग्स होते हैं जिस तरह हम लोग लंग्स यूज करते हैं ना इनहेलिंग में एक्सहेलिंग में अपनी ब्रीथिंग में इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो अर्थ के लंग्स कहलाए जाते हैं ठीक है प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स प्लांट्स घर होते हैं बहुत सारे बर्ड्स का बहुत सारे इंसेक्ट्स का ठीक है प्लांट्स को हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज करते हैं हम उनके फ्लावर्स बनाते हैं हम उनको हम उनका बुके बनाते हैं इस तरह से हम लोग उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है ओके स्टूडेंट्स ऑन द नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स गिव अस फूड प्लांट्स हमें फूड देते हैं दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स प्लांट्स जी बिल्कुल प्लांट्स हमें फूड देते हैं हमें फ्रूट्स देते हैं ठीक है प्लांट्स हमें uh, जो है बहुत सारे मिनरल्स विटामिन देते हैं ठीक है मैथ्स वर्सेस फैट मैथ टोमेटोज आवरजेंस एंड बेल पेपर्स आर एक्चुअली फ्रूट्स हाउ एवर बिकॉज ऑफ हाउ दे आर यूज इन कुकिंग चीज कॉल दम वेजिटेबल्स जो शेफ्स हैं वो इनको वेजिटेबल्स कहते हैं लेकिन एक्चुअली uh, जो है ये फ्रूट्स होते हैं ठीक है और इनको हम कुकिंग में यूज करते हैं ओके okay? टोमेटोज को उसके अलावा आवर्जिन्स को ठीक है बेल पेपर्स को इनको हम uh, कुकिंग में यूज़ करते हैं जो प्लांट्स हैं उनसे हमें बहुत सारे फ्रूट और जो हैं वेजिटेबल्स मिलते हैं जैसे कि रूट से हम बहुत सारे फ्रूट्स लेते हैं लीव से लेते हैं स्टेम से फ्लॉवर से ग्रीन फ्रूट्स एंड नट्स सीड्स ये तमाम चीज़ें कहाँ से आई हैं ये सारी चीज़ें प्लांट से आई हैं ठीक है डिस्कस एंड आंसर विच ऑफ द फूड्स कैट दैट कम फ्रॉम प्लांट एंड हैव यू ट्राइड कौन सा फूड है जो प्लांट से आता है और आपने खाया होगा सारे फ्रूट्स आपने खाए होंगे सारे वेजिटेबल्स खाए होंगे कैन यू थिंक ऑफ सम एनिमल्स दैट लिव इन प्लांट्स कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स में रहते हैं जी आपने सोचना है ठीक है और फिर इसका आंसर देना है प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स विद कॉटन फाइबर वी मेक थ्रेड एंड क्लॉथ फ्राम ट्रीज वी गेट वुड हम प्लांट से बहुत सारे फाइबर्स बनाते हैं कॉटन फाइबर्स बनाते हैं थ्रेड बनाते हैं क्लॉथ्स बनाते हैं ठीक है और इसके अलावा ट्रीज से हम वुड हासिल करते हैं जैसे हम बहुत सारा फर्नीचर बनाते हैं वुडन टॉयज बनते हैं फर्नीचर बनता है ठीक है वी यूज़ प्लांट मोर ट्रीज एंड वी यूज़ हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज हैं वो प्लांट करने चाहिए जितने हम इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा इस्तेमाल हमें जो है ना ट्रीज़ को लगाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज कंसेप्ट चेक हाउ मनी प्लाट्स कैन यू नेम मेक अ लिस्ट दैन कंपेयर इट विद योर क्लासमेट लिस्ट आपने प्लांट्स के नेम राइट करने हैं ठीक है अपने नोटबुक पे नेक्स्ट कंप्लीट रीसेंट एस यूजिंग अ वर्ड बिगनिंग विद एप से स्टार्ट होता हुआ वर्ड आपने लिखना है इन फिलिंग्स में ठीक है जियट एंड कॉटन आर टाइप्स ऑफ डैश जियट एंड कॉटन किसकी टाइप्स हैं यह है फाइबर की टाइप ठीक है एफ आई बी आर ई एस यहाँ पे जितनी भी फीलिंग में आपने वर्ड्स लिखने हैं वो एफ से ही स्टार्ट होने चाहिए ठीक है प्लांट्स प्रोवाइड डैश फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस प्लांट्स प्रोवाइड फूड सम प्लांट प्रोड्यूस डैश विच वी यूज फॉर डेकोरेशन एंड स्पेशल ओकेजन हम स्पेशल ओकेजन और डेकोरेशन के लिए क्या यूज करते हैं प्लांट को कौन सा पार्ट यूज करते हैं फ्लावर ठीक है वी डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लाट्स सच एज डैश नट रूट सैम लीव्स एंड सीड्स फ्रूट्स देखें सारे जितने भी वर्ड लिखे हैं एफ से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है ओके okay. ऑन द नेक्स्ट पेज सम अदर थिंगस वी गेट फ्राम प्लान्स आर कंपर्स ड्रिंगस ऑयल गम मेडिसन सोप परफ्यूम रबर एंड चॉकलेट हम ये तमाम चीज़ें भी जो है ना प्लांट्स लेते हैं ठीक है सनफ्लावर सीड्स एंड ग्राउंड नट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल हम कुकिंग ऑयल बनाते हैं ठीक है प्लांट्स का यूज करके सनफ्लावर का यूज़ करके हम परफ्यूम बनाते हैं ठीक है फ्लावर्स से हम फ्रेग्रेंस लेते हैं हम इसके अलावा मेडिसिन वगैरह बनाते हैं हर्ब्स बनाते हैं हम एलोवेरा नीम सोप ये तमाम चीज़ें बनाते हैं हम टी भी बनाते हैं कॉफ़ी जूसेस बनाते हैं फ्रूट्स का यूज करके उसके अलावा हम रबर बनाते हैं ट्री से हम शुगर बनाते हैं शुगर के से तो हम ये तमाम चीज़ें देखें बहुत सारी चीज़ें जो हम प्लांट से हम बनाते हैं ठीक है ओके इज फ्लावर स्टिल अलाइव आफ्टर इट हैज़ हैजड टेल योर टीचर वट यू थिंक गिव रीजन फॉर योर आंसर अगर हम फ्लावर को तोड़ लें तो तब भी क्या वो अलाइव रहता है नो no, वो तो लाइव नहीं रहता ना जब आप जो फ्लावर है वो ट्री से तोड़ लेते हैं प्लग कर लेते हैं फिर क्या होता है वो आहिस्ता 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 डेड हो जाता है ठीक है वो अलाइव नहीं रहता क्यों नहीं रहता क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होती उसको वाटर नहीं मिलता ठीक है उसको जो चीज़ें उसके लिए अलाइव रहने के लिए नेसेसरी होती हैं वो उसको नहीं मिल रही होती है, ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की रीडिंग होप आपको समझ आ गई होगी ठीक है आपने इनको हाइलाइट्स को अच्छे से लर्न भी करना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज